This is Alberto Jaipur. A few moments later. Welcome to my YouTube channel. जाओ भाई, आज ये मैंने हड़प किया है चैनल और आज मैं आपको शेयर कराऊंगा अल्बर्टो विला की हाइलाइट्स. तो आपने देख ही ली होंगी, अब देखते हैं पूरा नजारा. तो हम पहुंच चुके हैं अल्बर्टो विला और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गार्डन अभी तक हमने सिर्फ फोटोज में देखा है. तो चलिए चलकर देखते हैं. तो यहाँ पर आपको गार्डन दिख रहा है, काफी बहुत सुंदर सा गार्डन है, काफी अच्छे फूल आए हुए हैं, पेड़ पौधे और झूला भी है. देखिए वहां पर एक झूला आपको नजर आ रहा होगा. आशीष ने पूरी कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी है, पेप्सी की बोतल, और हमारे बिट्टू को कोई पेप्सी की बोतल नहीं मिली है. बिट्टू नाराज है. तो यहाँ पर बहुत अच्छी लहरें उठ रही है पानी पर. वाह, बुद्ध जी की एक बहुत अच्छी मूर्ति भी है और वाओ अमेजिंग. क्योंकि हम ये देखिए दोबारा शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारा गिटार यही पड़ा है. पहले वीडियो अच्छी नहीं आई थी, पर आप देख सकते कितना प्यारा स्विमिंग पूल है यहाँ पर. लाइट चलिए अंदर चलते हैं कि अंदर से कैसा है. तो काफी बड़ा गेट है यहाँ पर और रॉयल लुक है एकदम. अंदर एंट्री करते ही अमेजिंग. यहाँ पर कुछ ग्लास पड़े हैं वाइन के और उसमें एक पेप्सी डालकर पी रहे हैं आशीष सर. और यहाँ पे कुछ अच्छी सी डिजाइन हैं और वाह, रूफ को देखिए आप लोग, अमेजिंग. और इतनी बड़ी टीवी है भाई साहब, मैं सो सकता हूँ. अच्छा। आशीष और मैं दोनों सो सकते हैं इसके ऊपर. ये पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों. और काफी अच्छे यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई है. आशीष बैठ के दिखाओ एक बार, कंफर्ट बताओ, कंफर्ट कैसा है? क्या कंफर्ट है, मजा आ गया. और ये टेबल है शायद मार्बल की है, मार्बल टेबल्स है यहाँ पर काफी अच्छी. और ये हम हमारा रूम दिखाते हैं. इस पे एक्स्ट्रा लार्ज किंग साइज बेड लगा हुआ है जिसमें हम तीनों लोग हम इस पे सोने वाले हैं. क्वीन साइज बेड है, तीनों लोग हम इस पे सोने वाले हैं. और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, वो है ये एलईडी. अंदर भी एक एलईडी है, बहुत प्यारी सी, बहुत बड़ी सी. इसके इधर यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है आपको, इसमें पौधे लगे हुए हैं. यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं इस जगह, आप चेयर्स लगाकर आप आराम से बैठ सकते हैं. और सबसे अच्छी बात इस रूम की वो है इसका बाथरूम. तो चलिए मैं बाथरूम की टूर देता हूँ आपको. देखिए काफी अच्छा बाथरूम, मैं लाइट ऑफ करता हूँ. और ये देखिए अब बिट्टू थोड़ा नहाएंगे इसके अंदर. देखिए बिट्टू नहा लिए और क्या ही अमेजिंग शावर है. तो ये काफी अच्छा लाइटिंग इफेक्ट है एंड इसने मेरा दिल लुट लिया. सो दिस इज द बाथरूम ऑफ दिस अमेजिंग विला. और ये काफी अच्छी यहाँ पे डिजाइन वगैरह रखी हुई है. और ये देखिए रूफ में पूरा फैन वगैरह सब में रॉयल लुक है. हर एक चीज यहाँ पे दिखा रही है कितनी रॉयल्टी है, कितना अच्छा है इन्होंने. लग्जरियस नजर लग गई, लाइट भाग गई, पर ऐसा नहीं हुआ है, इसने लाइट बंद करी है. तो चलिए वापस से बाहर चलते हैं क्योंकि बाहर का ही एंजॉय करने आए हम. इस फार्म हाउस की कॉस्ट, तो गैस कीजिए इस फार्म हाउस की कॉस्ट कितनी होगी. मुझे लग रहा है 100-200 करोड़ आराम से होगी. जस्ट किडिंग गाइस, आप लोग गैस कीजिए कमेंट में. वन डे का रेंट गैस कर लीजिए आप लोग. हमारे तो प्रीएम का ही फार्म हाउस है. तो वो टेस्ट कर रहा था इस स्विमिंग पूल में कि उसका मोबाइल वाटर प्रूफ है या नहीं. आशीष सर ने लात मारी और वो नीचे चला गया. तो बस उसका मोबाइल चल नहीं रहा है. रात की 2 बज रहे हैं और डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया है, बस सोने लग रहे हैं. देख चुके हैं ये बर्थडे बॉय अपना. ये भी थक गए, गेट ही लगा लिया इन्होंने अंदर से. खोल दिया गेट, खोल दिया. हाय ब्रो. हेलो. यस. क्या थक गए, सोने लग गए? यस सर. कि सुबह मिलते हैं, ठीक है? ओके ब्रो. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट. ये देखो खेत पे जा रहे हैं हम, सुबह सुबह का टाइम है. केव इधर आ नहीं रही. Thank you.
जयपुर के बिल्कुल बाहर की साइड है, तो थोड़ा गांव के जैसा लग रहा है, गांव की जैसी फीलिंग आ रही है। ये रहा फार्म हाउस, देवंदा फार्म हाउस। बदल लूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच, मेरा सपना है कि सबके सपने सच में। बस अब गिटार की जरूरत है, फटाफट बजा दो। ला 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 ला, मैं हूँ एक उत्तरों को दोरे मोरे।